2008 पर्यंत साधारण हिंदी कधी बोललेलो नाहीये. मागच्या 1-1 वर्षापासून हिंदीमधून भाषण करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि उर्दू मी 2011 साली शिकलेली आहे. त्यामुळं उर्दू, हिंदी आणि मराठी अशा 3 भाषांमधून मी तुमच्याशी संवाद साधणार आहे. आजच्या हा व्याख्यानाचा सोहळा राज्यामध्ये झालेल्या इतर व्याख्यानांपेक्षा मला खूप वेगळा वाटतो. आणि माझ्यासाठी तो याकरिता महत्त्वाचा आहे की माझ्या घरची सगळी माणसं इथं आहेत, ज्यांचं बोट धरून मी सोलापूर शहरात आलो. ते ॲडव्होकेट महबूब कोथिंबिरे, ॲडव्होकेट सैफल शेख इथे आहेत. ज्यांच्यासोबत मी काम केलं ते फारूक शेख, शफी कॅप्टन, इरफान सर इथे आहे, माझे वडील आहेत, आणि माझ्या गावचे रामचंद्र माने ते देखील या सभागृहात आहेत. त्यामुळं माझ्या माणसांसमोर बोलणं हा एक वेगळा अनुभव मी इथे घेतोय. त्यामुळं हा सोहळा मी माझ्या गौरवाचा सोहळा समजतो. मित्रांनो, ये वक्त ऐसा है कि लोगों को इतिहास की तरफ देखने की एक अलग दृष्टि, एक अलग नजरिया हुकूमत ने दिया हुआ है. इतिहास, अच्छा इतिहास स्वीकार किया जा रहा है और सच्चे इतिहास को बाजू में रख के उसके ऊपर अपनी भावना, श्रद्धा और अकीदों को लाद कर मनगढ़ंत चीजें सामने लाई जा रही हैं. 2-3 वाक्य मैं आपके सामने बताता हूं, फिर बाद में इतिहास की तरफ आता हूं. ये वाक्य इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों की हिस्ट्री की तरफ देखने का नजरिया और मुसलमानों की हिस्ट्री किस अंदाज में लिखी जा सकती है और लिखी जा रही है वो बताने के लिए जरूरी है. पूना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाधव. पूना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाधव. नियोजन कमेटी के मेंबर रह चुके हैं ऑल इंडिया के, और पार्लियामेंट बोर्ड, पार्लियामेंट के भी मेंबर थे वो. उन्होंने एक किताब लिखी है, आमी आणि आमचा बाप. उस किताब में वो लिखते हैं कि जब मैं अपनी बेटी का खत खतूत को कोट करके लिखते हैं कि जब मी माझा डॉक्टर इकबाल यांचं सारे जहां से अच्छा हे गीत वाचतो आणि ऐकतो तेव्हा त्यांच्या राष्ट्रनिष्ठेला मला सलाम करावासा वाटतो. पण हेच इकबाल पाकिस्तान बनल्यानंतर पाकिस्तानात निघून जातात तेव्हा त्यांच्या राष्ट्रनिष्ठेविषयी मला शंका येते. दोस्तो, गौर कीजिए, वो कह रहे हैं कि इकबाल पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए. और इस किताब की 193 एडिशन आज बाजार में चल रही है. और ये शख्स पूना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, जबकि इकबाल की डेथ हुई है 1938 में, पाकिस्तान बना है 1947 में. पूना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपनी किताब में लिखता है कि इकबाल पाकिस्तान चले गए, और उस किताब की 193 एडिशन निकलती है, 1.5 करोड़ मुसलमान है, कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता. नंबर 2 का एक वाक्य मैं बताता चलूं. पिछले साल टीपू सुल्तान जयंती के मौके पे एक वीडियो क्लिप आई सामने, बहुत ज्यादा जोर शोर से उसको घुमाया गया. उसके बाद में कई लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि सरफराज भाई आपने किताब लिखी है, रिसर्च किया है, उस पर जवाब दो. मैंने कहा बात अगर बराबरी की हो तो जवाब दे, बच्चों से क्या बात करेंगे. क्यों, तो एक न्यूज एंकर ऐसा उठा के दे, दिखाए कि भाई ये सिंसियर है. मुझे तो उस वक्त भरोसा होने लगता है डार्विन की उस थीरी के ऊपर जो उसने कही थी, इंसान बंदर की नजात है. इन न्यूज एंकर को देखने के बाद यकीन हो जाता है कि इंसान यकीनन बंदर की नजात है. इतनी हरकतें ये लोग करते रहते हैं. इन्होंने उस वीडियो क्लिप में ये कहा कि ईस्वी सन 1744 में टीपू सुल्तान ने 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया. वो क्लिप पूरे महाराष्ट्र में घूमी, मुसलमान देखते रहा, अफसोस करते रहा, जवाब नहीं दे सका. मामूली सी, इतनी मामूली सी बात थी. हम लोग यौमे पैदाइश मनाते हैं, टीपू सुल्तान की पैदाइश 1750 की है, और वो वीडियो क्लिप में सरासर झूठा दावा किया जा रहा है कि सन 1744 में टीपू सुल्तान ने 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल किया था. ये 2 वाक्यात है. इसके बाद में तीसरा एक वाक्यात है. हिंदुस्तान की मशहूर, भारत की मशहूर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी मुगले आजम, जोर शोर से चली, उसकी हिस्ट्री भी लिखी गई. किसी ने यह नहीं सोचा कि अनारकली वाकई मध्ययुगीन भारत की इतिहास में थी या नहीं. कोई इतिहास की किसी किताब को उठाकर देख लीजिए, अब्दुल कादर बदायूनी उस वक्त थे, अबुल फजल थे, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, कितने फारसी डॉक्यूमेंट है. कोई एक शख्स आए और ये प्रूव करा के दिखा दे कि अनारकली नाम की कोई लेडी थी,
बिल्कुल नहीं थी, बावजूद उसके जहांगीर को बदनाम करने के लिए अनारकली का कैरेक्टर उसकी हिस्ट्री पे थोपा गया और हम लोगों ने उसको तस्लीम कर दिया। नंबर दो, हाल ही की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई पद्मावत। शुरुआत में इस सरमाएदार संजय लीला भंसाली ने यह कहा कि पद्मावत जो है, पद्मावती जो है, ये राजपूतों की हिस्ट्री है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो ये शख्स कहने लगे कि पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी की नॉवेल या महाकाव्य जिसे कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी, सो कॉल्ड सूफी, मैं तो नहीं मानता हूँ सूफी उनको, जो जिब्राइल को हनुमान कहने लगे उनको क्या सूफी कहेंगे उनको, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो किताब लिखी है पद्मावत नाम की, उस किताब के जरिए मैंने ये फिल्म बनाई है। ये किसने कहा? संजय लीला भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा और फिल्म पब्लिश हुई, रिलीज हुई। फिल्म देखने मैं भी पहुंचा, देखी मैंने भी फिल्म, मगर पद्मावत से इसका कोई नाता नहीं था। पद्मावत के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूं, बाद में फिल्म के ऊपर तस्करा करता हूं। पद्मावत के अंदर लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, रतन सेन नाम का एक राजा था, राजपूत राजा, जिसकी एक खूबसूरत बीवी हुआ करती थी जिसका नाम पद्मावती था। उस पद्मावती पर वहां के एक पुजारी ने गलत नजर डाली, तो उस रतन सेन ने पद्मावती पे गलत नजर डालने वाले उस पुजारी को, महास्वामी को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जब पुजारी को जेल के सलाखों के पीछे डाला तो उसका एक तोता हुआ करता था, पोपट जिसको कहते हैं, उस तोते को काफी गुस्सा आया। वो तोता जो है उड़ते उड़ते अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और उस तोते ने बताया अलाउद्दीन खिलजी को कि बेवकूफ तू यहाँ क्या कर रहा है, कि पद्मावती जो है इतनी खूबसूरत है, वहां पे बैठी है, चल हमला करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इतना बेवकूफ था कि तोते की बात सुन के 1.5 लाख की फौज लेके वहां पे पहुंचा, ये पद्मावत पे लिखा गया। और जंग हुई, बाकी के वाकयात मैं सुनाऊंगा नहीं, जंग हुई, उसके नतीजे जो भी होंगे उस किताब के अंदर, हिस्ट्री से इसका लेना देना नहीं है। अब ये थी पद्मावत की स्टोरी, जो ओरिजिनल पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। अब आता हूं फिल्म की तरफ। फिल्म में ये सारी चीजें दिखाई गई और बड़े शातिर तरीके से उस तोते को गायब कर दिया गया। अगर उस तोते को दिखाते तो ये प्रूव हो जाता कि ये फिल्म काल्पनिक है और उस फिल्म को एक लेबल लगा दिया कि ये फिल्म काल्पनिक हो सकती है और समाज के सामने लाया गया अलाउद्दीन खिलजी का वो विकृत इतिहास, और जिसको पूरे समाज ने तस्लीम कर लिया। चार नंबर का वाकिया है, दो हिस्टोरियन उभरे हाल ही में बेंगलोर में, पेपर लेके आ गए वो और कहने लगे कि तिरुमेलंगार नाम की एक प्राइम मिनिस्टर थे टीपू सुल्तान के, उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिश की, बगावत की, तो तिरुमेलंगार जिस कम्युनिटी से आते थे उस अयंगार ब्राह्मणों को खत्म कर दिया टीपू सुल्तान ने, और उस दिन से टीपू सुल्तान के खिलाफ अयंगार ब्राह्मण हर दिवाली काली दिवाली मनाते हैं। मैंने हिस्ट्री के पूरे डॉक्यूमेंट देखे हैं, 2500 ओरिजिनल लेटर मेरे पास में है, मगर मुझे कहीं लिखा नहीं कि टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम तिरुमेलंगार था या फिर तिरुमेलंगार नाम की कोई शख्सियत टीपू सुल्तान की हिस्ट्री में मौजूद थी, कहीं नहीं था। बावजूद उसके वो सारे एविडेंस पेपर में छपते गए, आते गए, कोई चैलेंज नहीं हुआ, इस बार भी मुसलमान खामोश रहे। फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के एक बड़े वीर हैं जिन्होंने 3-4 बार माफियां मांगी, नाम बताने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो उस वीर ने, तथाकथित वीर ने किताब लिखी है साहस सोनेरी पाने। उस किताब के अंदर ये हजरत लिखते हैं एक टॉपिक टीपू सुल्तान के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कहा है हिंदू प्रपीड़क क्रूर कर्मा टीपू सुल्तान। टॉपिक का नाम देखिए, शब्द भी कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग, हिंदू प्रपीड़क क्रूर कर्मा टीपू सुल्तान। इस किताब में ये वीर कहते हैं कि मैंने माल्टन की किताब से रेफरेंसेस उठाए हैं, अब वो माल्टन कौन था ये मैं बाद में बताऊंगा। और इसके अंदर इन्होंने एक वाकिया बयान किया है, वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान जैसे ही हुकूमत में आए पहले दिन इन्होंने घोषणा कर दी कि लक्षावधि जो संख्या ने हिंदू ना बांटवा, एक हिंदू शिल्लक ठेवता कमाने।
अब सावरकर की बदकिस्मती से मुसलमानों में भी इब्राहिम कुंजू पैदा हुए, बदकिस्मती थी ना उनकी, झूठ को उजागर करना था, तो अल्लाह ताला ने पैदा किया इब्राहिम कुंजू को। इब्राहिम कुंजू साहब ने टिपू सुल्तान के कई ओरिजिनल हुक्मनामे ढूंढकर निकाले। कबीर कौशल ने अपनी किताब सीक्रेट करस्पॉन्डेंस ऑफ टिपू सुल्तान में एक हुक्मनामा दिया है जिसके अंदर 8 मैनिफेस्टो के पॉइंट है। टिपू सुल्तान का ओरिजिनल मैनिफेस्टो है जिसके पहले ही कलम में टिपू सुल्तान कहता है कि मैं मुल्क के हर बाशिंदों के साथ समान न्याय करूंगा, कोई मजहबी भेदभाव नहीं करूंगा। और ये सावरकर कह रहे हैं कि टिपू सुल्तान ने पहले ही दरबार में कह दिया कि लच्छा उदीचा संख्या ने हिंदू ना बांटूंगा था। तो मुसलमानों की तारीख इस तरीके से लिखी जाती है, कोई रेफरेंस यूज नहीं होता, कहीं कुछ बताया नहीं जाता, रेफरेंस पूछने पे कुछ भी मनगढ़ंत चीजें बताई जाती हैं। शोलापुर की एक मशहूर इतिहासकार हैं जो वाचन कॉलेज में पढ़ाया करती थी, दयानंद कॉलेज में, मेरे दोस्त भी वहां पढ़ा करते थे, तो वो इतिहास की शिक्षिका थी और सुनाती कहानियां थी, और उन्होंने एक कहानी सुनाई उस वक्त बीए में। उस कहानी में उन्होंने कहा कि टिपू सुल्तान रोजाना उठते थे सुबह, तेल में हाथ डुबोते थे यहां तक, और वापस तेल से हाथ निकालते थे तिल के पोते में, तिल जानते ना भाई, तिल के पोते में हाथ डुबोते थे और हाथ बाहर निकालते थे वापस, हाथ को झटकते थे, जितने तिल नीचे गिर जाते हैं उसको गिनवाते थे और उतने हिंदुओं को कन्वर्ट कराते थे। याद रखिए ये बात दयानंद कॉलेज में पढ़ाई गई, स्टूडेंट मौजूद हैं, उसमें से एक स्टूडेंट ने उनको सवाल किया, उस मैडम का नाम लता कुलचकर है, बताता चलूं मैं, उसमें से एक स्टूडेंट ने उनको सवाल किया कि मैडम इसका रेफरेंस कहाँ है, तो उस वक्त उस मैडम ने बताया कि अखबारा दौन वाचा तुम्हारा कड़े। बेचारा स्टूडेंट था मामूली सा, खामोश बैठा, मुझे भी पता अखबार, मैंने बेसिक फाउंडेशन में ही गड़बड़े, क्योंकि अखबारा जो रेफरेंसेस है वो मुगलों के हैं, टिपू सुल्तान का तो है ही। मैडम इसको कोट कर रही है, स्टूडेंट को पढ़ा रही है, स्टूडेंट सीखते जा रहे हैं इस हिस्ट्री को। तो इस तरीके से मुसलमानों की हिस्ट्री लिखी जाती है, इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, क्योंकि जहर उगलने वाले लोग ये जानते हैं कि आजाद इकबाल की कौम सोई हुई है, इनके खिलाफ कुछ भी लिख दो चल जाता है, इनके खिलाफ कुछ भी बोल दो ये उफ नहीं कहेंगे। अब मैं आता हूं मंदिरों वाली वो लोकप्रिय राजनीति के तरफ। लोग कहते हैं कि एक आंकड़ा संघवादियों ने प्रस्तुत किया है, 60,000 मंदिरों को मुसलमानों ने डिमोलिश किया। रिचर्ड एटन नाम के एक हिस्टोरियन है जो यूरोप में रहते थे, बाद में इंडिया आए, कई मरतबा आए, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री को जांचा परखा और किताब लिखी। अपनी किताब में उन्होंने साइंटिफिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और ये बताया है कि ईसवी सन 1192 से लेकर 1760 तक जो मुस्लिम रियासत का स्वर्ण मध्यकाल माना जाता है, उस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 80 मंदिरों का डिमोलिशन हुआ है, और इन 80 मंदिरों में 65 मंदिर औरंगजेब के पहले दौर में पड़े हुए हैं, पहले दौर में गिराए गए हैं, और बाकी के 15 मंदिर जो है सिर्फ औरंगजेब के पीरियड में गिराए जा चुके हैं, जो औरंगजेब मंदिर गिराने वाला बुद्ध की मूर्ति मंदिर कहा जाता है। सिर्फ 80 मंदिर, और सिर्फ मंदिर नहीं गिरे हैं, सिर्फ मंदिर नहीं गिरे हैं, मस्जिदें भी गिरी हैं। मेरे पास में एक लेटर है, ओरिजिनल फारसी है, जिसका हिंदी मैं आपके लिए लाया हूं, पढ़ के सुनाता हूं। शेख अहमद सरहिंदी का नाम आप जानते हो, शेख अहमद सरहिंदी ने वो लेटर लिखा है, वो लेटर में वो लिखते हैं, हिंदू मस्जिदों को ध्वस्त कर इनके स्थान पर पूजा का स्थल निर्माण कर रहे हैं। थाने से कुरुक्षेत्र में एक मस्जिद और एक पीर का मकबरा था, काफिरों द्वारा दोनों को तोड़कर इनके स्थान पर एक विशाल मंदिर बनाया गया। हिंदू अपने कर्मकांड को खुले रूप से करते हैं और मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। शरिया के आदेशों का पालन करने में सक्षम नहीं है मुसलमान। एकादशी के दिन हिंदू जब उपवास रखते हैं तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि मुसलमान भी नगरों में कुछ नहीं पकाएं, कुछ ना खाएं, कुछ ना बेचें और कुछ ना खरीदें। बल्कि इसके विपरीत यह होता है कि रमजान के महीने में वही लोग जो एकादश के वक्त खाने पीने से रोकते हैं, वही लोग बाजार में जाते हैं, खुलेआम रोटियां पकाते हैं और बेचते हैं। ये शेख अहमद सरहिंदी का लेटर है
जिसके अंदर साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मस्जिदों को गिराया गया है। प्लीज थोड़ा सा मोबाइल बंद कर लीजिए, क्या है डिसइंफॉर्मेशन। तो मस्जिदों को भी गिराया गया। इसके बाद में मैं और आगे हिस्ट्री की तरफ बढ़ता हूं तो शाहजहां की इतिहास की तरफ आता हूं। शाहजहां की हिस्ट्री के रिसोर्सेस अवेलेबल है, आर्काइव्स में जाकर आप देख सकते हैं। शाहजहां ने खुद अपने दौर में 7 ऐसी मस्जिदों को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त कराया था जो मुसलमानों के कब्जे में नहीं थी। खुद औरंगजेब के दौर में जिसको मूर्तियां तोड़ने वाला, मंदिर तोड़ने वाला कट्टरतावादी कहा जाता है, उस औरंगजेब के दौर में जसवंत सिंह जो औरंगजेब के दोस्त हुआ करते थे, उसने मस्जिदों को तोड़ा है। और उसके बाद औरंगजेब और जसवंत सिंह में कुछ पत्र व्यवहार हुआ, इख्तलाफात भी हुए हैं। जब हम लोग आंकड़ा बताते हैं मंदिरों को तोड़ने का 80 रिचर्ड रिटर्न के तहत, तो मेरा यह दावा है कि 50 से ज्यादा मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं। अगर ये नारा देने का नैतिक अधिकार बहुसंख्यक होने की वजह से उन लोगों को प्राप्त होता है जो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तो वही नैतिक अधिकार मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, मस्जिद वही बनाएंगे। तो नैतिक अधिकार की बात कर रहा हूं, मैं धर्मवादी राजनीति की बात नहीं करता, मैं धार्मिक अंधानुकरण को समर्थन नहीं देता, मैं किसी राजनीति राजतंत्र का समर्थक नहीं हूं, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूं। लोकतंत्र में मेरा विश्वास है। मैं टीपू सुल्तान की हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं उस कम्युनिटी का सोशल कैरेक्टर हिस्ट्री के जरिए खराब किया जा रहा है। मेरी कम्युनिटी का जो सोशल कैरेक्टर है, सामाजिक चरित्र है, जिस इतिहास से उभरता है, उस इतिहास को तोड़ मरोड़ के सामने लाया जा रहा है और उसी की बदौलत 5-10 साल के जुनैद जैसे बच्चे तलवार की नोक के हवाले कर दिए जाते हैं। ये होता इसलिए है कि मुसलमानों का सामाजिक चरित्र बड़े ही शातिर तरीके से विकृत किया गया। मैं सामाजिक चरित्र की बात कर रहा हूं, याद रखिए, बहुत अहम मुद्दा है, इसकी तरफ ध्यान देना, इसकी तरफ गौर करना बहुत जरूरी है। किसी भी कम्युनिटी का एक सामाजिक चरित्र होता है जिसके जरिए वो प्रगति करती है। मुसलमानों का एफिडेविट जो है, मुसलमानों का जो एफिडेविट बायोडाटा जो है, वो सोशल बायोडाटा टोटली विकृत कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वापस उसी औरंगजेब की तरफ आता हूं, जिस औरंगजेब को कुछ शकीन मंदिरों को तोड़ने वाला, गिराने वाला, पता नहीं और भी क्या क्या स्टैंप है इन लोगों के पास जो लगाते रहते हैं आए दिन औरंगजेब पे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि औरंगजेब एक ऐसा कैरेक्टर है हिस्ट्री का कि इसके ऊपर कोई भी स्टैंप लगा तो फिट हो जाता है। उसी औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में 40 कविताएं लिखी हैं। जिस औरंगजेब को अरसी कहा जाता है, उस औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में 40 कविताएं लिखी है। मैनेजर पांडे नाम के हिस्टोरियन है, उन्होंने उसका कलेक्शन किया। मैं किताबों के नाम भी बता रहा हूं, याद रखिए, मैनेजर पांडे ने उसका कलेक्शन किया है, उसका मैंने मेरी किताब में उसको शामिल किया है। मुस्लिम मुस्लिम विद्वान नाम की किताब है, मार्क्सवादी पार्टी के लोगों में ही उसको पब्लिश किया हुआ है, ये भी बताता चलो। तो उस कविता में औरंगजेब क्या कहते हैं सुनिए। जिस औरंगजेब को मूर्ति पूजक मूर्ति भंजक कहा गया है, उस कविता में औरंगजेब ये तस्वीर कर रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं कि मैं जिस दिन तख्त पे बैठा औरंगजेब, उस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। औरंगजेब कविता में लिखते हैं, औरंगजेब कहते हैं, उत्तम लगन शोभा सगुन किनकिन ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास किनो शाह औरंगजेब जसर तैकत बैठो आनंदन। यानी क्या कह रहे हैं औरंगजेब, जिस वक्त जिस घड़ी औरंगजेब तख्त पे बैठा उस वक्त ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास को बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि ये वो बादशाह बैठा है जो दुख और दारिद्र का निर्वाहन कर सकता है। कौन लिख रहा है ये औरंगजेब लिख रहा है जो मूर्तियां बोलता है। क्या लिख रहा है औरंगजेब, उत्तम लग्न शोभा सगुन गिनगिन ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास किनो शाह औरंगजेब जसन तखत बैठो आनंदन। लग खेच दाम विशास वर गायन मोहन प्रद ब्रह्मा रचो तिन मद गायन जन गुभी जन गावत तिनके हरत दुखत नंदन। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये औरंगजेब के अल्फाज है जो मंदिरों को तोड़ने वाला है। ये भी हमारी परंपरा रही है साहित्य के अंदर। मेरी मध्यकालीन मुस्लिम विद्वान में
ऐसे तकरीबन 80 से ज्यादा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की तरफ मैंने नजर डालने की कोशिश की है जिनका जिक्र कहीं कहीं नहीं होता। आए दिन हम लोग बाबर को बदनाम करते रहते हैं, बाबर की हिस्ट्री को हमने ये ठान लिया है कि बाबर की हिस्ट्री को हम लोग सिर्फ बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में बाबर का इतिहास, उसी परिप्रेक्ष्य में हम बाबर की पूरी हिस्ट्री को रौन देंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में बाबर को बदनाम करते रहेंगे, ये तय कर लिया हम लोगों ने। मगर यही बाबर एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हुआ करता था अपने जमाने में, मगर उसकी कम्युनिटी ने उसको ओन नहीं किया क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में यह नशा चढ़ा हुआ है कि हम लोग यहाँ के पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। ओन करना जरूरी होता है, जब तक आप ओन नहीं करेंगे कोई भी लावारिस चीज को कोई कुछ भी कर लेता। आपने अपनी हिस्ट्री को लावारिस छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया तो क्या है, कोई भी बदनाम कर लेगा। तो उस बाबर, वो बाबर जो है, जिस बाबर के ताल्लुक से यह कहा जाता है तो बाबर ने बाबरी मस्जिद ढाई, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, वो हमारे प्रधानमंत्री अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उस बाबर, वो बाबर जो है एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हुआ करता था और उस बाबर के नाम पे बहुत ही कम 17 किताबें हैं। कितनी? 17 किताबें। क्या क्या लिखा है बाबर ने? 116 गजल, 8 मसनवी, 8 मसनवी यानी खंडकाव्य होते हैं, याद रखिए इतने बड़े बड़े। 116 गजल, 8 मसनवी, 104 रुबाई, 52 मुआम्स, 8 कोते, 15 तुयुक, 29 सीरी मुसन्न की तुर्की भाषा में बाबर ने रचना की। और इसी बाबर ने बाबरी लिपि नाम की एक लिपि बनाई थी और उस लिपि में कुरान को लिख के मक्का भेजा। और ये बाबर मंदिरों को तोड़ता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, बाबर ने मंदिर तोड़ा है। कहां का तोड़ा है? ग्वालियर का मंदिर तोड़ा है, राम का मंदिर नहीं तोड़ा है। कोई एक सिंगल प्रूफ लाकर दिखा दे कि राम का मंदिर बाबर ने तोड़ा है, मैं अपने स्पीचेस खत्म कर दूंगा। बाबर ने एक मंदिर तोड़ा है, ग्वालियर का मंदिर तोड़ा है, मैं बोल रहा हूं कि तोड़ा है, मगर क्यों तोड़ा है? वजूहात की तरफ हम लोग आते हैं। यहां पे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर उस वक्त जब मंदिर के अंदर चला गया तो उसने देखा कि नंगी नंगी मूर्तियां मंदिर पे हैं जो कि सामाजिक तौर पर गलत हो सकती है, तो बाबर ने हुक्म किया कि इस मूर्तियों को हटा दो, तो मंदिर टूट गया। फिर यहां पर धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और यही बाबर ने कई बार कई जगह हिंदू प्रतीकों के सम्मान में अपने बाबरनामा में बहुत कुछ लिखा है जिसकी तरफ हम लोग नजर दौड़ाना नहीं चाहते। और इसी बाबर की कई संतानें आई जिसके अंदर अकबर था। अकबर की हिस्ट्री मुसलमानों के लिए अछूत है, अनटचेबल है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं क्यों है। मैं तनकीद करके उलमाओं के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता। तो वो बाबर की संतान जो है, उनकी वंशज जो है अकबर थे। अकबर को एक दिन उनकी माँ मिलने आई और कहा कि बेटा, ओरमुज शहर में पुर्तगालियों ने कुरान को कुत्ते के गले में बांधा और पूरे शहर में घुमाया, अब हमारे पास में सत्ता है तो तुम्हें भी बाइबल को गधे के गले में बांधना चाहिए और पूरे शहर में, आगरा में घुमाना चाहिए। बाबर के उस वारिस के हाथ में सत्ता है, याद रखिए। उस वक्त का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है भारत का, वो जवाब देता है कि माँ जी, अगर पुर्तगालियों ने यह किया है तो उनकी संस्कृति शायद उनको इजाजत देती होगी, मैं राजा हूं, मेरा राजधर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। अकबर को फोन करना हम लोग भूल चुके हैं। इसी अकबर ने अपने सल्तनत के 45वें साल में एक आदेश निकाला। उस आदेश में उसने कहा कि जिन लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ है इस्लाम में, एक भी शख्स है तो वापिस अपने मजहब में जा सकता है। क्यों? आगे का सुनिए। क्यों जा सकता है? क्योंकि इस्लाम ने कहा है ला इकरा फिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ अकबर ने नहीं कहा, कश्मीर के राजा थे मुसलमान, उन्होंने भी हुक्म निकाला था कि जोर जबरदस्ती से अगर कोई मुसलमान हुआ है तो बिल्कुल उनकी जरूरत नहीं है, वो वापस अपने मजहब में जा सकते हैं। फिर भी धर्मांतरण की बात होती है, धर्मांतरण हुए हैं, क्यों हुए हैं, उसके पीछे एक सीरियस सूफी रिवॉल्यूशन है।
जो सामाजिक रिवोल्यूशन है। गौतम बुद्ध जिन्होंने बहुजनों के दुखों को पहुंचने के लिए हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म की नींव रखी, उसी तरीके से यहाँ के अछूत भाई बहनों का दुख सूफी हजरात के आंखों से देखा नहीं गया, उन्होंने उनकी अवैदिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसके तहत इस्लाम भारत में आया है। इस अवैदिकीकरण के इतिहास को हम लोग जानना नहीं चाहते। हम लोग आज आकर वही आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में या महमूद गजनवी के उस दौर में, और कहने लगते हैं कि महमूद गजनवी और कुतुबुद्दीन ऐबक जिस तरीके से घोड़े पे बैठ के आए और उसी तरीके से इस्लाम दौड़ता गया और मंदिरों को कुरेदता गया और इस्लाम हिंदुस्तान में भारत में आता गया। ये लोग उन आंकड़ों की तरफ जाना नहीं चाहते। जब महमूद गजनवी भारत नहीं आया था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता भारत में नहीं आई थी, उस वक्त भी भारत की कुल आबादी में 5% मुसलमान हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है और उसके तहत वो कहते हैं कि मुसलमान जब मिलिट्री इस्लाम जब भारत में आया, उसके पहले भी 5% से ज्यादा मुसलमान भारत में हुआ करते थे। मगर हम लोगों ने ठान लिया है कि इस्लाम के सिविल सोशल रिवोल्यूशन को मिलिट्री रिवोल्यूशन के तौर पे सामने लाने की वो कोशिशें हम लोग हजार बार करते हैं, जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी बदनाम किया जाता है, खुल्फाए राशिदीन की सीरत को बदनाम किया जाता है, क्योंकि वजह वही है कि बदनाम करने वाले जानते हैं जिस कौम में इकबाल, आजाद, टीपू सुल्तान, सर सैयद पैदा हुए, वो कौम गहरी नींद में सोई हुई है, वो जानते हैं, और उसी वजह से वो बदनाम करते रहते हैं, हम बदनाम होते रहते हैं और हमारे जुनेद जैसे बच्चे अपनी जान गंवाते रहते हैं। हमें राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाने का एक नया ट्रेंड जो है मीडिया में चल रहा है आजकल, और ट्रेंड चलाने वाले लोग उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, पेशवाओं की वो संतान है, याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। याददाश्त कमजोर भी हो जाए तो अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को भेज देता है जो लिखते रहते हैं, वो याद वो चीजें उनको याद दिलाते रहते हैं। संत तुकाराम के वंशज हैं, तुकाराम महाराज के, संत तुकाराम महाराज के वंशज का नाम है सदानंद मोरे, उन्होंने किताब लिखी है उम्बरठा नाम की, किताबों का नाम बता दिया, उम्बरठा नाम की किताब लिखी है, और उस किताब में वो लिखते हैं जिस वक्त जंगे आजादी लड़ी जा रही थी, उस वक्त पूना के ब्राह्मण डेक्कन के उस मशहूर पुल पे चढ़ते थे और कोई अंग्रेज अगर नहाने आया तो उसको छुप छुप के देखा करते थे और एक दूसरे को बताया करते थे कि देखिए ये अंग्रेज जो है लाल दिखते हैं, वानर की तरह लाल दिखते हैं, हो सकता है ये हनुमान के वंशज है। फिर बाद में एक और अफवाह फैलाई गई और कहा गया विक्टोरिया रानी जो है वो, विक्टोरिया रानी ने हम पे गुलामी नहीं लादी है, वो विक्टोरिया रानी जो है पुराण कथा में जो विकोटवती देवी है उसकी वंशज है, इनकी पूजा करनी चाहिए हमें। जब मौलाना महमूद मदनी, मोहम्मद हुसैन मदनी, जब एम ए अंसारी, जब मौलाना आजाद, इकबाल, हजारों उलमा अपनी गर्दने इस मुल्क की आजादी के लिए सर पर लटका रहे थे, उस वक्त ये लोग हनुमान की पूछ अंग्रेजों के पिछवाड़े में तलाश कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है,